अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 11th कॉमर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। 11th कॉमर्स में टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको 6 सब्जेक्ट लेना होता है। 6 सब्जेक्ट लेके आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप ऐसे कौन से 6 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके कारण आप बहुत ही अच्छा करियर बना पाएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आपके आने वाले 12th एग्जाम में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं 11th कॉमर्स में। तो पहला जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसे हम लोग शॉर्ट में BK कहते हैं। तो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी जो है आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, इसे लेना ही पड़ता है। BK आपके लिए लेने के बाद क्या फ़ायदा होगा, अगर आप फ्यूचर में CA बनना चाहते हैं यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा BK पे फोकस करना पड़ेगा। BK जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। इसमें 80% जो होता है प्रैक्टिकल होता है और 20% जो होता है थियरी होता है। यानी कि जो एक कंपनी होता है, कोई भी कंपनी का जो हिसाब किताब करना होता है, कैसे किया जाता है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है या प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, इसकी पूरी जानकारी जो होती है आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में सीखते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, कौन कौन से बिजनेस होते हैं, कौन कौन से बिजनेस रन करना चाहिए, यानी कि पूरा इन्फॉर्मेशन जो रहेगा इसमें आपको बिजनेस के बारे में बताया जाएगा और किसी बिजनेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, जो रूल्स होता है वो इस सब्जेक्ट में बताया गया है। इसे शॉर्ट में OC कहते हैं, समझ में आ गया। थर्ड जो है आपका है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी कि पैसे से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपका है इंग्लिश। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके कंपलसरी हैं, जो आपको लेना ही है। उसके बाद आपके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो। आपका नेक्स्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसे शॉर्ट में हम लोग SP कहते हैं। SP क्यों आपको लेना चाहिए, पहले आप इसको समझ लो। अगर आप फ्यूचर में किसी कंपनी में CS करना चाहते हैं यानी कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो आप SP ले सकते हैं। SP जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग है, समझ में आ गया। SP के साथ आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स मिलता है, या तो आप SP ले सकते हो या तो आप मैथ्स ले सकते हो। इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई आपको एक लेना होता है। अगर आपको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप 11th में जो रहेगा मैथ्स ले सकते हो। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट कम है, थियरी आपकी अच्छी है, तो आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी कि SP ले सकते हो। लेकिन मैथ लेने से पहले एक बात ध्यान में रखना, आप जहाँ पे भी रहते हो आजू बाजू में जो भी क्लासेस हैं वहाँ पे पता कर लेना मैथ्स अच्छे से पढ़ाया जाता है कि नहीं, क्योंकि मैथ्स अगर अच्छे से पढ़ाया जाएगा तभी आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। दोनों सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो है आपको थियरी के बारे में पढ़ाया जाता है, इसमें पूरा का पूरा थियरी होता है, ये भी स्कोरिंग है, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे 12th में, कोई डाउट नहीं है। मैथ्स भी अच्छा होता है, जिसका मैथ्स अच्छा हो मैथ्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिंदी, मराठी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट जो रहता है सेलेक्ट करना होता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उनको मैं बोलूँगा कि वो हिंदी ले लें, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो बच्चे मराठी मीडियम से पढ़े हैं वो दोनों ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं मराठी भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ बच्चों का हिंदी या मराठी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनका हिंदी और मराठी काफ़ी अच्छा नहीं होता है, वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अच्छे से हिंदी या मराठी रीड भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर हो आप, तो आपको हिंदी या मराठी में थोड़ा बहुत डाउट होता है,
तो आप आईटी ले लेना, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक कंप्यूटर सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको स्कोर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर के आजू बाजू में जो भी क्लासेस हैं वहाँ पे पता कर लेना, वहाँ पे आईटी पढ़ाया जाता है कि नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आईटी काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हैं वो हिंदी ले लेंगे, और जो बच्चे मराठी मीडियम से पढ़े हैं तो डिपेंड करता है, आपको हिंदी लेना रहेगा तो हिंदी भी ले सकते हो और मराठी लेना रहेगा तो मराठी भी ले सकते हो। मैं बहुत जल्द ही 11th कॉमर्स का जो भी सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।